आप लोगों के लिए अभी भी स्पेशल एक रिएक्शन अपलोड किया मैंने, आई होप आपको अच्छा लगेगा। इधर कलेश भगड़ सब चल रहा है बिग बॉस के अंदर। अरे भाई आ गया मैं लाइव, आ गया भाई, आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लाइव ही हैं। नेड़े नेड़े सवेरे सवेरे। सो गाइस हम आ गए हैं लाइव आप लोगों के लिए लेके। अरे भाई मतलब क्या, मतलब जबरदस्ती साफ पता चल रहा है हर कोई यहाँ पे फुटेज के लिए लड़ रहा है। मेरे को सिर्फ अभी तक मुनव्वर जेन्युइन लगा, बाकी सब फुटेज के लिए लड़ रहे हैं भाई। बिग बॉस में कलेश चल रहा है जी, बिग बॉस में कलेश चल रहा है, बिग बॉस लाइव में कलेश चल रहा है इस टाइम पे। इट्स क्लियर कलेश बिटवीन मुनव्वर UK07 और एक वो पता नहीं क्या बुला रखा है, ये कहां से आया मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ मेरे को भी ऐसे ही लग रहा कुछ सुष्मित, आई ऑल्सो फील द सेम वे, यू आर ऑन द राइट ट्रैक ब्रो। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं ये जानबूझ के मुद्दे उठा रहे कलेश कर रहे हैं। दिस इज सो सिक ब्रो, मतलब कैसे चलेगा ये। तुझ पे पैर फिर से ट्रेन करने लगा, अबे तुम देखो इधर इधर वो नहीं हट रहे, मैंने ऊपर जो लिंक डाला वो देख के आओ जाके, अलग लेवल है भाई, वो भी हनी भाई का अलग सीन चल रहा है उधर, टी सीरीज वाले गाने पे गाना पेल रहे हैं भाई साहब। पिछली बार UK07 पिछली बार ही पुनीत ने किक दिया था शो को। हाँ अभिषेक मेंशनड ही वांट्स टू प्ले लाइक सिद्धार्थ शुक्ला, आई नो दैट, पर वैसा कुछ कर नहीं रहा, मैं तो अकेला आया हूँ, अकेला खेलूंगा। फिर बीच में वो चूतिया हरकतें भी तो कर रहा है, मेरे को उसके लिए फीलिंग्स हैं। अरे भाई साहब एक दो के अलावा मैं किसी को नहीं जानता, मैं इनमें से काफी ज्यादा लोगों के बारे में, अगर आप बात करो जैसे कि अंकिता लोखंडे के बारे में पता है, UK07 राइडर के बारे में पता है, मुनव्वर के बारे में पता है, ऐश्वर्या शर्मा के बारे में पता है मुझे। तुझ पे प्यार 4 मिलियन में 4 घंटे में 7, ओ भाई साहब। विक्की जैन, हाँ विक्की जैन अच्छा खेल रहा है, विक्की जैन बहुत अच्छा खेल रहा है। तहलका प्रैंक के बारे में भी पता, मैंने देखी है वीडियोस, और एक वो भी पता है क्या नाम है कौन सा, धवन, धवन जो है रिंकू धवन, शी इज फ्रॉम द शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उनका भी पता है उस, नहीं मेरे को पता है इनमें काफ़ी लोगों के बारे में। मनारा का मैंने सुना हुआ था, मैंने देखी भी थी एक दो बार पिक, पर ये क्या ही चीज़ है समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोई, मतलब मेरे को मेंटल स्टेबिलिटी सी लगती नहीं इसकी। आर जी भाई बादशाह कह रहा हनी पाजी के साथ माफिया मुंडीर वाला फेज, उसकी लाइफ का वर्स्ट फेज था भाई, सही बात है, किसी की भी लाइफ का वर्स्ट फेज होगा यार, किसी की भी लाइफ का वर्स्ट फेज होगा, उससे इतनी देर देने के बाद भी कुछ सीख नहीं पाया वो, अपने सीनियर की इज्जत करनी तक नहीं सीख पाया वो चूतिया। ये क्रिमिनल लॉयर और रिपोर्टर को बुलाने का क्या लॉजिक बना, मेरे को समझ में यार, ये इमेज क्लीन करने वाला जो चुतियापा है ना, ये बिग बॉस हर साल करता है, पता है तुम्हें, बिग बॉस हर साल करता है। पिछली बारी पूजा भट्ट की दारू चल रही थी, मतलब दारू चल, मेरा मतलब ये था कि मैं दारू पीती थी मैं, और उसके बाद महेश भट्ट आया, मैं दारू पी के सड़क पर पड़ा रहा, मतलब वो अलग ही सीन चल रहा है, वो अलग ट्रिप में चल रहे हैं। उससे पिछली बार वो बुला लिया था मीटू वाला, क्या नाम है, साजिद खान, रिंकू धवन इज टू वोकल शी में रिप्लेस बेबिका। नहीं 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 बेबिका वाला कोई सीन नहीं है मेरे को, बेबिका वाला सीन तो ये करती लग रही है ये जो अभिषेक की एक्स गर्लफ्रेंड आई है, इसका नाम भी नहीं पता मुझे,
आई थिंक ईशा ईशा करके कुछ नाम है, वाइल्ड कार्ड में कोई यूट्यूबर आएगा क्या? चांसेस बहुत हाई हैं। बेबी का वाइल्ड कार्ड हो सकती है, बेबी का वाइल्ड कार्ड हो सकती है, हर हाल में हो सकती है भाई। क्यों रे, तूने बोला था तू अगले बिग बॉस में नहीं बोलूंगा। मैंने कहा था मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर यूट्यूबर आएगा तो मैं सपोर्ट करूंगा। आधा ज्ञान बेटा, चल मैं बोलूंगा यार, कर ले जो करना। क्या चल रहा, अलग की बजट चल रही है। सौरभ जोशी वाइल्ड कार्ड हो सकता है, क्योंकि उसकी भी बात तो चली है भाई मनोबर, पर यार उसके लिए ये शो नहीं है यार, दिस इज कलेश। अभिषेक इज लाइक शालीन मनोट। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मुझे UK07 राइडर किसकी स्ट्रेटजी पे खेलता लग रहा है? गेस करो किसकी स्ट्रेटजी पे खेलता लग रहा है ये धीरे धीरे उसमें आएगा, ये तेरा घर जाएगा मैं, ये धीरे धीरे आएगा, वो तेरा घर जाएगा मैं, ये उसकी स्ट्रेटजी में खेलता लग रहा मुझे। वाइब भी वैसी आ रही है मेरे को, बिल्कुल सेम। एग्जैक्टली सुष्मित गेस्ड इट राइट ब्रो, सुष्मित ने बिल्कुल सही शॉट मारे लाए। आरजी भाई सौरभ जोशी के व्लॉग्स नाम के ही फ्रेंडली होते हैं। हाँ मुझे पता है, मालपानी सब जानता हूँ मैं इन लोगों के बारे में। अरुण हैज फैन फॉलोइंग इन साउथ एंड BGMI कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है भाई। अरुण डार्क हॉर्स रह सकता है, ये मैंने अपनी वीडियो में बोला है, जो मैंने टॉप 4 वाली वीडियो बनाई है ना, मैंने उसके अंदर बहुत क्लियरली बोली है ये चीज़ कि अरुण कैन बी अ वेरी गुड डार्क हॉर्स। और तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो मेरे को बहुत बुरा लगता है यार, वीडियो को लाइक किया करो यार लाइव आते ही। राम राम भाई, राम राम, एक बार चैट के अंदर जय श्री राम कर दो सारे जने। सौरभ जोशी 2 दिन में रो देख, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यार ये फालतू के कलेश, जबरदस्ती के कलेश चल रहे हैं। अभिषेक इज लाइक शालीन मनोट, मैंने शालीन को देखा नहीं इसमें यार, मेरे को नहीं पता उसकी क्या गेम थी। UK07 राइडर तुम्हें धीरे धीरे मैं तुम्हारा घर जाएंगा वाला करता ही नजर आएगा, ये मेरे को लग रहा है ये। और तुम्हें एक बात बताऊं, अभी ये फाइट हुई नहीं थी, अब फाइट तो अब हुई है 10 बजे जाके, ये मुनव्वर और UK07 राइडर की फाइट नहीं हुई थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैंने वीडियो 4 घंटे पहले बना के डाल दिया, प्रिडिक्शन बोलते हैं उसको, क्योंकि पता लग गया मुझे कि क्या गेम है। मैं तुम्हें ओपनली गेम बता सकता हूँ इस टाइम बैठ के, तो मुझसे पूछोगे ना गेम क्या है, मैं गेम बता सकता हूँ तुम्हें इस टाइम। मैं तुम्हें ओपनली बता रहा हूँ, फाइट क्या हुई है बर्तन मांजने को लेके। मेरी ड्यूटी थी, तेरी ड्यूटी थी, मैंने मांझे, तूने मांझे, मैंने गार्डन साफ किया, वही बकवास। नजायज भाई, ठगेश मैक्सन और लक्ष्य चौधरी को जियो सिनेमा पर लाइव बुलाया, शायद उनमें से कोई वाइल्ड कार्ड जा सकता है। हो सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। UK07 ने कहा कि बिग बॉस इनकम अपने फाउंडेशन में डोनेट करेगा, दैट्स गुड यार, अगर करेगा तो। पर फाउंडेशन से आगे कहीं किसी को दे ना तो समझ में आएगा, सिर्फ गाड़ी लेने के लिए डोनेट करना है तो बात अलग है भाई। नागन पर वो करता है यार, मतलब तो चैरिटी तो वो करता है, ऐसी बात नहीं है, चैरिटी तो वो करता है, वो गलत बात होगी बोलना। अरे यार अभिषेक मलान ऑब्वियसली यार, ये कोई क्वेश्चन है यार, तुम लोग क्या बोल रहे हो? किसके बीच में फाइट हुई है? UK07 राइडर और मुनव्वर के बीच में। मैं सोच रहा था थोड़ा लेट होएगा, लेकिन ये कलेश जल्दी हो गया थोड़ा। अभी ये हिंदू मुस्लिम खेलेंगे ना थोड़ा सा, वो हिंदू वो मुस्लिम, वो हिंदू वो मुस्लिम, वो चालू करेंगे। अब बाहर वालों को मौका मिल जाएगा हिंदू मुस्लिम खेलने का, तो वो करना है अभी बैठ के। हाँ उसने पास में भी करा है लोगों की हेल्प, नहीं हेल्प तो वो करेगा, वो बात नहीं है। अगर फुकरा जाएगा वाइल्ड कार्ड तो ही देखूंगा मैं तो बट नहीं यार, इस बार का बिग बॉस अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा फन है, बेटर देन बिफोर आई वुड से, OTT से बेटर लग रहा है मुझे फन एलिमेंट को लेके। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पिछले वाला तो डिप्रेसिंग शो था यार, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा था पिछली बारी।
मतलब लिटरली। और टी सीरीज वाले जो कर रहे हैं वो अलग ही बिग बॉस खेल रहे हैं भाई। यो हनी सिंह के गाने बना बना के दोबारा रीमिक्सेस बना बना के डाल रहे हैं, और क्या पेल के व्यूज आ रहे हैं भाई। मैंने एक लिंक तुम्हें ऊपर दिया, जाके देख सकते हो। हाँ भाई बिल्कुल आ गया व्यूज खाने, तेरे बस का वो भी नहीं है ना गांडू। जुड़वाज के कला स्टार रिव्यू पर 1 मिलियन प्लस व्यूज हैं एक दिन में हो गया। अरे भाई ग्रेट यार, दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड यार। रादर देयर सीम्स टू बी नो मास्टर स्ट्रेटजीज लाइक फुकरा। अरे यार मेरे को विक्की लग रहा है भाई, विक्की थोड़ा है टेढ़ा स्ट्रेटजी वाइज, बहुत सही खेल रहा है वो भी। यूट्यूब वर्सेस यूट्यूब, नहीं इट्स नॉट यूट्यूब वर्सेस यूट्यूब, बाहर कलेश पड़ेगा, वो फैंडम्स बन जाएंगे बस। भाई कला स्टार का एक ऑनेस्ट रिएक्शन बता दो, मैंने जो दिया रिएक्शन वो ऑनेस्ट ही है मेरा भाई। तभी हनी और बादशाह के नाम पर चल रहा है तेरा गांडू, तेरा वो भी नहीं चल रहा भोसड़ी के, तेरे बस का वो भी नहीं है, तेरा मैं नाम भी नहीं लूंगा यहाँ पे चूतिए। तेरे साथ पता क्या होता होता है, तेरे जैसे फुद्दुओं के साथ क्या होता होता है, ये होता होता फुद्दू आदमी। चलो चलो इनको मेरी चैट बढ़ाने दो, मैं तो कह रहा हूं बढ़ाओ यार, क्या दिक्कत है। बिल्कुल भाई बिल्कुल आगे। बाकी मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये वाला इस बार ही बहुत खतरनाक होएगा शो जो होएगा ना। ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि चारों क्रिएटर्स आगे जाएं, चारों क्रिएटर्स फिनाले में जाएं, फिर जो कलेश करना है कर लो, पर फैंडम सो लड़ने वाला है बार, बहुत गंदा वाला लड़ने वाला है। और दिस टाइम देर विल बी लेफ्ट विंग एंड राइट विंग, हाँ ये पक्का होने वाला है, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम बहुत करेंगे बाहर लोग, बाहर ही करेंगे अंदर नहीं होगा, अंदर फाइट होगी तो होगा लेकिन बाहर ही करेंगे ये लोग। पाजी हनी पाजी को इतना हेट क्यों, अरे देते रहते यार कुत्ते भौंकते ही हैं। ये पेड़ पेड़ पीआर चल रही है नेगेटिव वाली, तुम्हें पता नहीं, क्योंकि अभी हसल 3.0 आना है ना, बादशाह ने वहां पे आके अपनी इमेज अच्छी नहीं करनी, इतनी माँ बहन एक कराई है पिछले 1.5 महीने में। कला स्टार ने धूम मचा रखी है भाई, इसको देसी कलाकार से कंपेयर कर रहे हैं, अरे फुद्दू लोग हैं यार, छोड़ना भाई, अपने को गाना अच्छा लगा अपन 10 बार सुनेंगे, क्या दिक्कत। देखो भाई कोई छपरी हो या कोई कैसा हो, जिसको वोट पड़ने हैं उसको पड़ी जाने, फैंडम्स तो बनने तैयार है यहाँ पे, फैंडम्स तो हर हाल में बनने वाले हैं। बादशाह कह रहा है गाना अच्छा है पर कमबैक नहीं होगा, भौंकता रहने दे। ओटीटी में तो पूजा की वजह से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था एक्सेप्ट अभिषेक। अरे यार मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, पिछला शो तो साला डिप्रेशन में निकाल दिया इन्होंने, कुछ नहीं था यार लिटरली, कोई बात कोई कलेश कोई बात ही नहीं हो रही थी। गुंजन 42 मिलियन हो गए कला स्टार पे, दैट्स ग्रेट यार दैट्स ग्रेट। पाजी आपने देखा यो पाजी का न्यू लुक एकदम पुराने जैसा डिट्टो आ गए हैं, फॉर क्लासी मुंडा, दैट्स नाइस। मैंने अभी नहीं देखी, मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया यार अभी तक। बिग बॉस ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो फेवरेटिज्म करता है, अरे भाई वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इस बार तो ये ओपन। अरे तुम लोग मेरी बिग बॉस की वीडियोस देखो जाके, मैंने वहां पे इनको पूरा एक्सपोज करा है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऑलमोस्ट एक 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 महीना पहले जब इनका प्रोमो आया था या 15 दिन पहले जब भी आया था, मैंने तभी एक्सपोज कर दिया था इन लोगों को कि ये क्लियर होने वाले हैं, इस बार ये ओपन जाएंगे। विक्की जैन में रिप्लेस UK07 इन गेम प्ले बट वोटिंग में नॉट सपोर्टिंग हिम, भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ विक्की की गेम अच्छी होने वाली है भाई। भाई ये गोरा गे है ना तो गे होने में क्या दिक्कत है तो है भाई, क्या दिक्कत भाई। हाइप मैच होगी आपके हिसाब से? हाइप मैच होगी भाई, बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी कलेश पड़ेगा ना,
अभी कुछ फैंडम्स बनेंगे अलग अलग तरह के। आज हो गई है UK07 राइडर और मुनव्वर फारूकी की फाइट। क्लासी मुंडा रिकॉर्ड तोड़ेगा भाई, फाड़ देगा वो। UK07 राइडर को एलविश आर्मी का सपोर्ट मिलेगा भाई, मिलेगा ही। जब उसको पता लगा कि वो शो में जा रहा है, उसने अभिषेक को छोड़ के उसको सपोर्ट भी तो किया था। पूछ रहा हूँ, क्रिंज है। अरे बहुत क्रिंज है भाई। ओ भाई ये नेक्स्ट लेवल था, पर तेरा नाम नहीं अच्छा लगा मुझे। भोजड़ी भोजड़ा से ना, वोट फॉर छपड़ी राइडर। ओ अपन तो इस बार बिग बॉस में मजा लेंगे भाई, खुला जान दो, जिसकी गेम अच्छी उसको वोट डालो, कोई है कोई जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब किसी को छपरी राइडर बोलो, किसी को कुछ बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं है, तुम्हें जो बोलना है बोलो। हाँ बस ये है कि अपनी तरफ से सपोर्ट रहेगा, अपन इनकी बात करते रहेंगे, क्या दिक्कत। हैशटैग अभिषेक इज द बॉस। अरे यार फुकरा इंसान इज द बॉस बोलो। यहाँ पे एक और अभिषेक उठा के ले आए हैं हाइप मैच कराने के लिए। मेरे को तो लग रहा है इसको इसलिए लेकर आए कि इसका नाम फुकरे से मैच होता था, तो SEO बना बनाया इसके साथ जुड़ जाएगा। विक्की मास्टर माइंड भाई, बहुत स्ट्रांग है मेंटली बंदा। विक्की जैन खतरनाक गेम खेल रहा है भाई। मुनव्वर ओवर एक्टिंग कर रहा है, मैं मानता हूँ ये चीज़, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन इस टाइम पे भाई कलेशी चल रहे। बहुत दबा के पैसा लगाया सेट पे। अरे यार वही घर है, उतना ही साइज का घर है, साइज बड़ा नहीं करा घर का, सिर्फ ऑल्टरेशन करी है। और भाई कमाया भी तो देखो OTT से कितना है, इतनी हाइप बना के देखे गए एलविश और अभिषेक। भाई लोग UK07 राइडर को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर यूट्यूबर है और मुनव्वर स्टैंड अप कॉमेडियन। देखो यार ऐसा है, मैं कहता हूँ फाइनल तक जाने दो, फिर लड़ लेंगे भाई, किसको डालनी है वोट। फाइनल तक जाने दो ना दोनों को, क्या दिक्कत है, डालो वोट दबा के। अपन तो गेम पे फेयर प्ले पे जज करने वाले हैं, यहाँ पे कोई अच्छा करे बुरा करे फेयर प्ले पे जज होगा, बात ही खत्म। मेरे को तो विक्की जैन की गेम बढ़िया लग रही थी, सारे छोड़ो, विक्की जैन इज प्लेइंग नेक्स्ट लेवल गाइस, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ये सब जबरदस्ती की लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ऑनेस्टली इन लोगों को लग रहा है कि लड़ाई करेंगे तो कुछ होएगा, लेकिन ये जबरदस्ती की लड़ाइयाँ चल रही हैं। अरे यार हनी बाजी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, सबके खास हैं। अरे भाई बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई, बॉस मीटर मुनव्वर जीत, मैंने कहा था मुनव्वर की वोट बैंक स्ट्रांग है, बट जीत रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये इस बार गेम बहुत मैटर करेगी, बहुत मैटर करेगी। मेरे को लगा था तहलका की वाइफ भी आएगी, और यार आती तो मजा आता यार, थोड़ा और एंटरटेनिंग हो जाता शो। मुनव्वर को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है शो की, वो लॉकअप खेल के आया यार, उसको रहने का घर के अंदर एक्सपीरियंस भी है ऑनेस्टली। अभिषेक कुमार ने बोला बिग बॉस से, क्या बोला इसने जाने से पहले, कि आई एम लाइक सिद्धार्थ शुक्ला एंड आसिम फुकरा आर नो कॉम्पिटिशन टू मी। अरे भाई साहब क्या बात है भाई, लौंडा अगले अगले वोट आउट में बाहर होगा, ये पक्की बात है। तुम लगा लो जो मर्जी, ये अगले वोट आउट में बाहर होना है, आने तो दो इसको उसके अंदर लिस्ट में। भाई आप YouTube के अलावा क्या करते हो? मैं यही कर रहा हूँ भाई, जो कर रहा हूँ YouTube ही करता हूँ मैं। भाई आप देख रहे हो बिग बॉस 17? हाँ चल रहा है यार, यहाँ पे फालतू का लड़ रहे हैं लोग। भाई फुकरा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई तो क्या होगा, कलेश होगा भाई। भाई फिर मजा आएगा, फिर बहुत मजा आएगा। वो दो आंटियों की आवाज कान में चुभती है बहुत ज्यादा। सोनिया बंसल की बात, मेरे को भी चुभी भाई। क्या लगता है कला स्टार इससे क्या था, कहते हैं हिप हॉप 99 मिलियन की रिकॉर्ड तोड़ेगा। हाँ, मेरे हिसाब से तोड़ेगा यार, बिल्कुल तोड़ेगा। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, UK07 राइडर और मुनव्वर का सीन पता क्या होने वाला है, ये लड़ तो पड़ेंगे,
अंदर पाए, बाद में ये सही हो जाए, सही हो जाए, लेकिन वो बाहर हिंदू मुस्लिम चालू करवा देना इन्होंने, ये दिमाग नहीं लगा रहे। और तुम लोग वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, स्ट्रीम को लाइक कर दो यार फटाफट। हाँ, तुझ पे प्यार फिर से ट्रेंडिंग में आ गया भाई, इन्होंने लिरिकल डाला, तुझ पे प्यार ट्रेंडिंग चल रहा है। आपको कितने व्यूज मिले कला स्टार रिएक्शन पे? मेरे को 1,80,000 के करीब मिले हैं यार, एंड इट्स काउंटिंग, तो अच्छा लग रहा है देख के। एलविश ने भी कमेंट किया था, अनुराग इज द बॉस। भाई वो तो करेगा ही सपोर्ट यार, पहले ही करके गया ना नाटक सपोर्ट करने का, यूके सपोर्ट करने का नाटक करके गया ना पहले, तो करेगा। बट कोई बात नहीं, अपन हाइप रखेंगे बना के, यूट्यूबर है तो सपोर्ट तो करना है भाई। मुनव्वर इजी विनर लग रहा है मुझे यहाँ पे, मैं सही बताऊँ तुम्हें, चाहे जितना मर्जी वोट बैंक लेके चल रहे हो लोग, मुनव्वर का वोट बैंक बहुत डेडिकेटेड है। एलविश अगर सपोर्ट करेगा तो यूके जीत जाएगा, जीत सकता है भाई, बिल्कुल जीत सकता है। इस टाइम पे तो मेरे को दो ही बंदे नजर आ रहे टॉप टू में, वोट बैंक के बेस पे यूके, और वोट बैंक के बेस पे ही मुनव्वर। पर गेम के बेस पे अगर मैं बात करूं, विक्की जैन की गेम बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड गेम है। यस, UK07 ने एलविश को जानबूझकर सपोर्ट किया तभी यूके गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरे को भी यही लगता है। स्टैनी आर्मी सपोर्ट, अरे स्टैन की आर्मी क्या कर लेगी भाई, इधर यूट्यूबर लगे दो भाई, खा जाएंगे उसको। स्टैनी आर्मी ठीक है, वो अपने लेवल पे ठीक है, लेकिन भाई जिस लेवल पे यहाँ पे वोट पड़ते हैं ना, पागलों वाला सीन है यूट्यूबर के केस में। अभी तो स्टार्ट है, कोई इतना ध्यान ही नहीं दे रहा, जैसे ये नॉमिनेट होने चालू हुए ना, कलेश पड़ेगा। जब इनके हैंडल्स के ऊपर से शाउट आउट आएंगे ना, तो अलग लेवल पे कलेश पड़ेगा। सबसे पहले कौन बाहर होगा भाई, मुझे यही नहीं पता नॉमिनेटेड कौन है। मेरे को यार बचे खुचों में से करते हुए लग रहे हैं, मनारा को ये बिग बॉस वाले नहीं निकालना चाहेंगे, मुनव्वर और ये तो बिल्कुल वैसे ही सेफ है। विक्की जैन की गेम स्ट्रांग है। अगर आप इस टाइम पे बात करो, सोनिया बंसल भी एक्टिव तो है ही है, रिंकू धवन भी एक्टिव है, वो जो एक क्या कहते हैं जर्नलिस्ट है वो भी एक्टिव लग रही है कुछ हद तक, तो जाने के चांसेस बाकी सब में सही है। मेरे को अंग्रेज जाता लग रहा है, मेरे को ये अंग्रेज जाता लग रहा है। वैसे सौरव जोशी भाई यूके को सपोर्ट करेगा भाई, कोई बात नहीं, करे जिसको करना है। UK07 बाहर से ही स्ट्रेटजी बना के आया है मुनव्वर के गेम, सही है ना, तो बना के चलने दे, उसने हिंदू मुस्लिम करना होएगा अंदर जाके, क्या दिक्कत है। अभिषेक कुमार सेड नॉनसेंस अबाउट फुकरा भाई, एज ही सेड दैट ही इज फार अबव व्हाट। हाँ भाई वो दिख जाएगा अभी, रुक जाओ, एक वोट आउट आने दो, इसकी सारी औकात निकल के बाहर आएगी, देखना। अभी भाई एलविश का ह्यूमर मुनव्वर से बढ़िया था, बढ़िया है, बट यार यहाँ पे हंसी तो आ रही है यार, देखो हरकतें देख के, ऐसा नहीं है कि हम पक रहे हैं, इनकी हरकतें देख के मजा तो आ रहा है। बाकी अंकिता विक्की जैन स्ट्रांग लग रहे हैं, UK07 राइटर सपोर्ट की वजह से जाएगा टॉप 4 में। यह सिंधु मुस्लिम का एंगल डाल रहे हैं मुनव्वर, UK07 मुनव्वर को इग्नोर कर रहा है। अरे यार वो हिंदू मुस्लिम का, वो पता क्या मुद्दा बनाने वाले हैं, इसने मुनव्वर ने पहले हिंदू भगवान की बेइज्जती करी, ये करा वो करा, वो सब ड्रामेबाजी चलेगी अभी थोड़ी देर ना, तो उसको थोड़ा लंबा खींचने के इनके मूड में है, तो वो होने वाला है, जीतेगा तो यूके ही, डोंट वरी भाई। ठीक है यार, वेल इनफ, मैं तो कहता हूँ सब अपने अपने फेवरेट को वोट डालो, मजा आएगा। आपके हिसाब से सौरभ जोशी किसको करेगा? यार देखो यूके को ही करेगा, ऑब्वियसली UK07 राइडर को सपोर्ट करेगा वो। अभिषेक कुमार सेड फुकरा इज नॉन, इसको जानता कौन है बार, ये फिल्म सिटी के बाहर खड़ा होके आलू छीलता है, पता तुम्हें। वर्ल्ड कप जीता तो जिता लो पहले, वो बात नहीं, वो जीत जाएंगे, वो अपने कोहली भाई को बोल रखा है इस बार वर्ल्ड कप ही कीजिए, जो भी होता है ना वर्ल्ड कप ही लेके आइए।
आरजी ब्रो लुकिंग गुड, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। पर मेरे को पता अभी वेट बहुत बड़ा हुआ, कम करना है भाई, और बेटर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या गंदा लड़ते हैं ना ये लोग भाई। अगर रियल फुकरा अभिषेक मलानी सामने आ गया तो अपनी औकात समझ जाए। अरे यार छोड़ना भाई, कोई कंपैरिजन है? अभिषेक कहाँ पे, ये कहाँ पे, ये अभिषेक फुकरा कहाँ पे है, और ये साला मैंगो शेक तक नहीं है उसके आगे। गई पांडा गैंग का वोट तो मुनव्वर को ही, और मेरा भी भाई, बिल्कुल सपोर्ट करो यार, जो जिस बंदे को सपोर्ट करना दबा के वोटिंग करना। जुबिन दादा के सॉन्ग के और रिएक्शन लेके आओ बेटा। मैंने एक रिएक्शन करा था पुराने गाने पे, वो प्रोडक्शन ने कॉपीराइट डाल दिया था, तो इसलिए सॉरी स्ट्राइक डाल दी थी, वो बहुत मुश्किल से हटवाई है। तो अभी कोई नया गाना आता है तो मैं पक्का रिएक्ट करता हूँ। नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा है, नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा है? क्लासी मुंडा यार नेक्स्ट सॉन्ग लग रहा भाई। ऐश्वर्या और नील का मुंह क्यों उतरा हुआ है भाई? ऐश्वर्या और नील घटिया सी गेम खेल रहे हैं, पका रहे हैं बैठ के, एक कोने में बैठे हुए हैं। इनको लग रहा है हम बहुत एक्टिव हैं, घंटा एक्टिव नहीं है। अपना क्रिकेट का चैनल बना लो भाई, क्रिकेट बाय आरजी इज द चैनल, चैनल्स वाली लिस्ट में जाके देख लो, चैनल है ऑलरेडी, उस पर वीडियोज आ रही हैं, पर उस पर थोड़ा कम रहेगा लेकिन आएगा जरूर, कुछ ना कुछ आता रहेगा। अगर एलविस जैसा कोई वाइल्ड कार्ड आ गया तो गेम चेंज हो जाएगा। भाई कौन आएगा यार एलविस जैसा वाइल्ड कार्ड? इस बार कोई नहीं आ रहा, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई आएगा। 4 महीने की गेम है भाई, 4 महीने की गेम है भाई। तुम्हारी एज क्या है? 33 ब्रो। इस बार कुछ सेकंड से चूक गए आप रिएक्शन पे, मतलब कुछ सेकंड से चूक गया मतलब? क्या लगता है इंडिया जीतेगा? 100% इंडिया जीतेगा यार, सोचना क्या लगना क्या इसमें। वाइल्ड कार्ड अगर कटारिया आया तो फिर एलविस किसको सपोर्ट करेगा? फिर ऑब्वियसली कटारिया को सपोर्ट करेगा। UK07 जीतेगा ब्रो, बिल्कुल भाई बिल्कुल, सपोर्ट करते रहो अपने फेवरेट को। फर्स्ट रिएक्शन आपका होता है हमेशा। अरे यार मेरे को पता है बहुत कलेश चल रहे हैं भाई रिएक्शन को लेके, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। आज मैंने Tiger 3 के ट्रेलर पे रिएक्ट करा, साला बिग बॉ ये यशराज वालों ने ट्रेलर ही ब्लॉक कर रखे हैं रिएक्शन से। बताओ मुनव्वर इस बार बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। आई होप सो यार, तोड़े भाई। आपके हिसाब से, पता नहीं मिस हो गया क्वेश्चन, फुकरा आएगा वाइल्ड कार्ड या नहीं? यार मुझे नहीं पता इस बारे में, बोला तो है आना चाहिए बट मैं तो मन भी आ जाए, पर इस बार की गेम बहुत कलेशों वाली होने वाली है। इस बार सिर पे हेडमास्टर नहीं है ना पूजा जी जैसी, जो सारा कुछ सभ्याचारक प्रोग्राम करके चली गई है पिछले पूरे बिग बॉस का गंद मचा के। भाई बस फुकरा के घर वाले मान जाएं, हाँ आना तो चाहिए यार। देखो यार इस फुद्दू आदमी को क्या रोस्ट करना है यार, इसके लिए अपने पास टाइम है ही नहीं भाई। रईस व्लॉग्स, मेरे पास इस चूतिया के लिए कोई टाइम नहीं है भाई, इसके लिए मेरे को मैसेज मत क्या करो। आपके हिसाब से कैरी मिनाती किसको सपोर्ट करेगा? कैरी मिनाती सपोर्ट करेगा? वो तो मतलब रोस्ट जरूर कर देगा, सपोर्ट का मुझे नहीं पता भाई, रोस्ट पक्का करेगा वो किसी ना किसी को इनमें से। और हाँ तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पे अपन वो पैनल बुला के दिमाग खराब करें, अपन मेरा मतलब बातें करें हम लोग? अगर मन है तो बताओ, अपन कुछ ऐसा प्लान करते हैं, ठीक है? लेकिन मुनव्वर बहुत दिल का अच्छा है यार, आई होप सो, आई एम श्योर होगा ब्रो। ओके पैनल बना के चले, डन ब्रो डन। मैं करता हूँ इसका अरेंजमेंट, कल से देखते हैं, कल से अपन पैनल पे बात करेंगे, ठीक है? 75 हार्ड कब से आएगा? देखो यार वीडियो तो शुरू हो गई है बननी, तो थोड़े दिन दो मेरे को, डालना चालू करता हूँ, शॉर्ट्स आएंगी उसकी सीधा सीधा। अभी फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है यार, एक तरफ इंडियन आइडल चल रहा है, फिर कला स्टार, Tiger 3, पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। एक बार ये थोड़ा उसमें आ जाए, पेस पे आ जाए,
फिर उसको भी फोकस करके डालेंगे, पर बना रहा हूँ मैं साथ साथ। भाई कला सर बिग बॉस में प्ले हुआ है, दैट्स नाइस यार, दैट्स नाइस। एलविश भाई, अरे आ रहे हैं भाई, ओके 100%, वेरी नाइस भाई। ट्रेंडिंग सेक्शन में 10 वीडियोस हैं यूट्यूब के टॉप 30 में, इंस्टा के हनी सिंह के, अरे भाई नाइस, इंडिया के, ओके। अगर इनको टीआरपी नहीं मिली तो अज्जू या कटारिया को उठा सकते हैं, कटारिया ही उठाएंगे, अज्जू नहीं उठाते। ठगेश, कटारिया, कीर्ति या पता नहीं यार, लक्ष्य में से कोई वाइल्ड कार्ड आ सकता है, फिर यार लक्ष्य चौधरी इज अ बेटर ऑप्शन आई वुड से, फिर लक्ष्य चौधरी बहुत बेटर ऑप्शन है। भाई तुम ऐसे कैसे हो यार, सच बताओ, लिखा इसने अरे भाई पता नहीं यार, ऐसे ही हैं बस, जैसे भी हैं। कैरी कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, हाँ वो रोस्ट पक्का करेगा। मुनव्वर अभी तो अभी भी टॉप पे है बिग बॉस मीटर पे। भाई ये स्टार्ट वाले बॉस मीटर वीटर ज्यादा मैटर नहीं करते, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, बॉस मीटर मैटर करेगा आखिरी 1 महीने में जाके, तब किसका क्या फैन बेस आके खड़ा होता है, क्योंकि ये 4 महीने की जर्नी में बहुत लोगों की गेम ट्विस्ट होती है भाई। दो दो दिनों के अंदर कोई ऐसा कांड हो जाएगा कि एक बंदे का जिसके 0 फॉलोअर हैं इसमें 10-10 मिलियन पे बैठे होंगे। ये टेलीविजन की गेम है भाई, कुछ नहीं पता किसको कितना डेडिकेशन डेडिकेटेड फॉलोअर मिल जाए, कब मिल जाए। फुकरा की सीएम वीडियो इज इक्वल टू अभिषेक कुमार का होल करियर, एग्जैक्टली। कैरी मिनाती का ओटीटी वाला सीजन का रोस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा सर। क्या था ये सर, आप अपना रिलीजन बताइए। इंडियन। अभिषेक कुमार को रोस्ट करो, ओके ब्रो डन, आ जाएगी वीडियो। कटारिया आ गया तो एलविस वाला ही सीन कर देंगे एक तरफा, एग्जैक्टली वही सीन हो जाएगा फिर। हाँ भाई जैसे तुम बिग बॉस के बारे में, 1 मिनट, ये चूतिये को भी जवाब दे दूँ, इसका नाम नहीं लूंगा गांडू का। देख भाई ऐसा है, मेरी सुनने के लिए यहाँ पे 119 लोग आए, चल तेरे को माइनस करके 118 लोग तो आ गए ना गांडू, तेरे को कुत्ता नहीं पूछता, चलो इससे ज्यादा तेरे को जवाब भी नहीं देना। अगर मैंने अपने आप पे कुछ करा ना तो हो गया मेरा जितना करना था, और मैं कर भी लूंगा, वो देख भी लेंगे लोग, खुद्दू आदमी। फिर होगा कटारिया या, अरे यार कटारिया को तो बहुत वोट पड़ेगी, अगर कटारिया आ गया फिर तो फुल पीआर चलने वाला है, फिर तो वही गाड़ियों के ऊपर पोस्टर, क्या क्या नहीं होने वाला, 1,000 गाड़ी, 10,000 गाड़ी, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। एलविश फिर किसी को सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, लक्ष्य या UK07 राइटर? यूके को करना बनता है भाई उसका फिर, क्योंकि इसकी ड्रामेबाजी थोड़ी ज़्यादा दिखी है लोगों को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फैन बेस है, फिर वो चीके मारने वाले लोग ज़्यादा होंगे ना इस तरफ, बच्चे 13-13 साल वाले। कैरी मिनाती डरता है एलविश को, अरे यार रोस्टिंग, एलविश भी तो रोस्टिंग करता ही था यार, डरना क्या है उसके अंदर। UK07 ओवर हाइप्ड है, मेरे को भी लगता है ये नहीं, पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, UK07 राइडर की जर्नी बहुत हार्ड रही है भाई, बहुत हार्ड रही है। जो लोग उसको शुरू शुरू से फॉलो करते हैं ना, उन्होंने देखी है उसकी जर्नी, बहुत हार्ड जर्नी है। बचपन से काफी प्रॉब्लम्स थी, ब्रेन ट्यूमर तक की प्रॉब्लम उसने झेली है, तो मतलब जर्नी तो बहुत हार्ड रही है, पर आज की डेट में इस लेवल पे है ना, तो नहीं ठीक है, अचीव तो किया बंदे ने, मेहनत तो करी है, बट हाँ अब हरकतें थोड़ी हो गई हैं आड़ी टेढ़ी, वो बात अलग है। एग्जैक्टली एम गॉड, यही बात मैं भी बोल रहा हूं।
काली भाई अपने पास इतना टाइम नहीं है यार, कुत्ते भौंकते रहेंगे यार, साइड पे छोड़ो उनको। हाँ बिग बॉस के लिए ओवर हाइप है यार, बिग बॉस के लिए बहुत ओवर हाइप है। हाँ जर्नी भी हार्ड है, दिमाग से भी पैदल है, ये भी सच बात है। कैरी मिनाती किसी से नहीं डरता, एलविस को। अरे यार जो बंदा ये बोल सकता है अमानी मेरे पे, तो तुम्हें लगता है क्या यार, क्या बोलते हो, सोचा तो करो बोलने से पहले, अंबानी मेरे पे। वो अलग लेवल था यार, वो अलग ही रोज था। तो कोई बात नहीं, दिखता रहने दे भाई जो तेरे को दिख रहा है। ओनली मुनव्वर किंग। हाँ भाई किंग, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, तुम सपोर्ट करो अपने फेवरेट को 200 के सून ब्रो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप लोगों का प्यार बरकरार रहा तो 200 के भी जल्दी हो जाएंगे। एलवेज सपोर्ट UK07, आई होप सो। फुकरा वाइल्ड कार्ड आया तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बिग बस सीधा शो जीत जाएगा। हाँ ये भी हो सकता है भाई, आपका बिग बॉस में जाओगे पता नहीं भाई, जब बुलाएंगे हम चले जाएंगे। UK जीतेगा। देखो यार अभी कुछ नहीं बोल सकते, ये 4 महीने वाला शो है ना, ये 2 महीने वाला शो है ही नहीं। 2 हफ्ते के अंदर आधे से ज्यादा रो रहे होंगे बैठ के कि मेरे को घर जाना है। वालिया भट्ट वाला मीम याद है ना, मेरे को घर जाना है, वो चल रहा होगा अभी थोड़ी देर, रुको सही तुम लोग। भाई ऐसे तो UK बैठे बैठे जीत जाएगा, मुझे यही लगता है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ भाई, जब सपोर्ट खुलेगा ना 1.5-2 महीने बाद, तब पता चलेगा। देखो ये बाहर तो होने वाले कंटेस्टेंट्स हैं नहीं, फिनाले तक तो ये जाने वाले हैं, एंड में पता चलेगा कौन किसके साथ खड़ा होकर, बाहर क्या कैंपेन चल रही है, वो अलग सीन चलेगा फिर। आज तक का बेस्ट मीम कौन सा लगता है, बेस्ट मीम कौन सा लगता है, आओ सालो। नहीं तो आजकल तो मीम वो भी बन रहे हैं ना, दिल विच तेरे बैम कट के, अगर बादशाह बिग बॉस में जाए तो फिर उस सीजन में मैं भी होना चाहिए हूँ। R2HL बिग बॉस में आ गई तो क्या होगा, पता नहीं भाई किसकी बात कर रहा है। भाई क्या करा कैरी मिनाती ने, मैं तो कहता हूं करे और रोज कर। तो आप लोग कैसे हो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, आप वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लो। अरे बस तू मेरी बात करवा जरा अपने भाई से, तेरा वहां पे मैनेजमेंट में है ना भाई, बादशाह को सुनते हो। एक काम कर, मेरा गॉन गर्ल का रिएक्शन देख, क्या तेरे को पता चल जाएगा मैं बादशाह को सुनता हूँ कि नहीं। मैं लिटरली रिएक्शन यहां पे प्ले कर सकता हूँ अपना, जो मैंने बादशाह पे रिएक्ट करा था। हेलो बच्चो, वो क्या है वो राउंड टू हेल में से कोई आया तो भाई फिर फट जाएगा सीन, फिर सीन फट जाएगा, फिर गेम घूम जाएगी गंदे तरीके से। अभी हिंदू मुस्लिम शुरू होने तो पहले ये, अभी ये अंदर लड़ेंगे, बाहर कुछ बेवकूफ हिंदू मुस्लिम करेंगे बाहर, वो शुरू होने तो फिर देखना कलेश कहाँ कहाँ तक जाते हैं। गुलजार का गाना नेक्स्ट, पक्का भाई रिएक्शन आएगा मेरा फर्स्ट टाइम पे। कोई दिक्कत नहीं, बट यार ऑनेस्टली मैं जानता हूँ इतनी चीज के, जो सपोर्ट एलविश के पास है अगर वो किसी को भी मिलेगा इस टाइम पे बहुत हैवी रहेगा। और एलविश यार बड़ा मतलब ग्राउंडेड बंदा है, मैं ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूँ, एलविश बहुत ग्राउंडेड बंदा है, वो मतलब जमीन से जुड़ा हुआ बंदा। वो अगर बोल देगा ना अपने फैंस को कि हाँ भाई इसको वोट दे दो, XYZ उसने किसी को भी बोल दिया, अब वाइल्ड कार्ड के अंदर तुम कटारिया एक्सपेक्ट करके बैठोगे, एकदम से कटारिया आया तो गेम घूम जाएगी भाई, जैसे एलविश के आने पे गेम घूमी थी ना बिल्कुल वैसे ही घूम जाएगी। अभी विदाउट वाइल्ड कार्ड मैंने जो तुम्हें बताया टॉप 4 का वो सीन सही चल रहा है, लेकिन एलविश आया तो गेम घूमेगी भाई।
सॉरी कटारिया आया तो इर्तुगुल गाजी भी आ गया भाई, अपना रेगुलर रोज लाइव आने वाले लोगों में से एक है भाई। हनी बाजी का कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है? मेरे को सारे अच्छे लगते हैं यार, मेरे को सारे गाने अच्छे लगते हैं हनी बाजी के। भाई यूके हिंदू है या मुस्लिम? भाई हिंदू है यार, बट यार हाउ डज इट मैटर ब्रो, हाउ डज इट मैटर। बस यार नॉन डिजर्विंग बंदा ना जीते कोई फैन बेस की वजह से, कुछ नहीं कह सकते भाई। ये देखो एक चूतिया फिर आया, अब इस चूतिया के साथ हम क्या करेंगे, इस चूतिया के साथ हम ये करेंगे। विक्की जैन इज जस्ट प्लेइंग लाइक फुकरा इंसान, ही इज प्लेइंग विद माइंड। एग्जैक्टली, ही इज नॉट प्लेइंग लाइक फुकरा इंसान बट ही इज प्लेइंग विद माइंड, ये फैक्ट है भाई। प्रीमियर के बाद बिग बॉस 17 ना देखने का घमंड है। ये भी सही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट दिखाओ यार अपने अपने फेवरेट को, जो जो अपना फेवरेट है ना उसको सपोर्ट दिखाओ भाई। मैं हरियाणा से हूँ, एल्विस को बहुत प्यार करता हूँ, पूरा हरियाणा उसके कहने पे जिसको कहेगा वो वोट कर देगा। एग्जैक्टली, मैं तो खुद बोल रहा हूँ ये चीज कंफर्म है, यूके जीतेगा बिल्कुल भाई, बिल्कुल सपोर्ट दिखाओ अपना। ब्लू आईज लव डोज कब आएगा? ब्लू आईज लव डोज कब आएगा मतलब? अंकित बयानपुरी आ सकता है वाइल्ड कार्ड भाई, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ अंकित बयानपुरी आ जाए, गेम घूम जाएगी यार। मैं तो कहता हूँ अंकित बयानपुरी आ जाए भाई, अंकित बयानपुरी आ गया फिर तो गेम चेंज, फिर तो भले मेरे आगे तुम कोई खड़ा कर दो, अंकित को फुल सपोर्ट है अपना। बिग बॉस OTT2 वाला मजा नहीं आ रहा? अरे यार इस बार एटलीस्ट थोड़ा बातें करने वाले लोग तो आए हैं, नहीं तो कोना पकड़ के बैठे थे बिग बॉस OTT में सारे जन। अभी तो शुरू हुआ है, हफ्ता रुको, ये कलेश मचा रहे होंगे घर के अंदर। तुम्हारा फेवरेट कौन है? यार मेरा फेवरेट लास्ट तक डिसाइड होगा किसकी गेम अच्छी है, अभी कोई फेवरेट नहीं है। अंधी सपोर्ट कहीं नहीं जा रही यहाँ पे, कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है कि हम अंधी सपोर्ट दिखाएं। ऑनेस्टली एंड में देखेंगे किसने फेयर खेला, किसने सही खेला, किसने गेम के लिए खेला, किसकी वजह से एंटरटेनमेंट बढ़ा, वो सब एंड में जाएगा। मुनव्वर पहले ही दिन मस्त लाइमलाइट में आया है। अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ, ये जो एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अंदर लड़ रहे हैं ना, ये ड्रामेबाजी है, ये कुछ नहीं है, ये सब सब ड्रामेबाजी है। हसल 3.0 में अगर हनी बाजी जज हुए तो नहीं होंगे, वो चूतिया का प्रोमो आ गया है बादशाह का। नोबडी इज गोइंग टू नॉमिनेट विक्की एज ऑफ नाउ, ही इज फेवरेट ऑफ ऑल हाउसमेट्स। मैं तो खुद बोल रहा हूँ ये चीज, विक्की की गेम बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ये एक्चुअली हेड स्ट्रांग खेलने वाला गेम को। सोचो अगर फिनाले से पहले बिग बॉस ने मुनव्वर और UK07 का नॉमिनेशन आ गया तो करेंगे ही नहीं। तुम शर्त लगा लो फिनाले से पहले इनको बाहर करेंगे ही नहीं, तुम एक चीज लगा के चलो, इन लोगों के आने के बावजूद 1 करोड़ व्यूज हैं लाइव के ऊपर पूरे दिन में, पूरे दिन की लाइव स्ट्रीम में 1 करोड़ व्यूज हैं इन लोगों के आने के बावजूद, इतने इनके एक एक दो दो दिन में आ जाते हैं व्यूज अकेलों के अपने अपने चैनल पे। तो अभी अगर ये भी चला गया तो जितना व्यूअरशिप मिल रही है वो भी नहीं मिलनी। तहलका कैसा खेल रहा अभी तो यार, वो समझ ही नहीं पा रहा उसको करना क्या है, उसको जो जैसे बोल रहा है उसके हिसाब से वो कर रहा है। चलो गाइस अपने काम करते हैं, कल मिलेंगे 10:30 बजे रेगुलर टाइम पे, ठीक है? बाकी तुम लोगों ने ऊपर वाले पोल का क्या जवाब दिया मैं देखना चाहता हूँ। मुनव्वर सही है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, सपोर्ट दिखाओ अपना अपना। कोई नहीं, कल 10:30 बजे अपन मिलते हैं
एग्जैक्ट एंड देन वील सी ईच अदर ऑन लाइव।